6.2.4 चित्रकला और मूर्तिकला। रेनासा युग मुख्य रूप से अपनी विशिष्ट चित्रकला और मूर्तिकला के लिए जाना जाता है। यूरोप के मध्य युग में चित्रकला के विषय काफ़ी सीमित थे, जिनमें प्रमुख थे बाइबल के पात्रों और संतों के चित्र। 13वीं सदी के अंत में इसमें बदलाव होने लगा और नए जीवन चित्रण जीते जागते लोगों के अवलोकन के आधार पर बने। अब भी धार्मिक विषय महत्वपूर्ण बने रहे, मगर रईसों व सफल पेशेवरों के चित्र भी बनने लगे। धार्मिक विषयों का चित्रण भी इस तरह से किया गया कि मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं, भावनाओं, अवस्थाओं तथा मानव शरीर के विभिन्न रूपों को दर्शाया जाए। रंग, तकनीक और विज्ञान का उपयोग। चित्रकार एक ओर वस्तुगत हकीकत को हूबहू दर्शाने का प्रयास कर रहे थे और दूसरी ओर नए रंगों व तरीकों को आजमा रहे थे। इस दौर में भारत और ईरान से आए नए रंगों का उपयोग यूरोप में होने लगा, साथ साथ तैल रंगों का उपयोग भी होने लगा। इनकी मदद से रंगों के अनेक शेड दिखाए जा सकते थे। एक और महत्वपूर्ण आविष्कार परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव की समझ ने किसी चीज को जैसे वह दिख रही है वैसे ही दर्शाने में मदद की। जब हम किसी दृश्य को देखते हैं तो पास की चीजें बड़ी और दूर की छोटी दिखेंगी, वे पीछे की ओर एक ज्यामितीय अनुपात में छोटी होती जाएंगी। इस अनुपात की गणना ने चित्रकारों को दूर और पास की चीज़ों को अलग करने में मदद की। इसका एक उदाहरण प्रसिद्ध चित्रकार रैफेल के इस चित्र में देख सकते हैं। इस चित्र में हम दूर व पास का एहसास इस बात से कर पा रहे हैं कि दूर के लोग छोटे और पास के लोग बड़े दिख रहे हैं। इसके ज्यामितीय रूप को मुख्य पात्रों के पीछे सक्रिय होती रेखाओं से समझ सकते हैं। एक दूसरे तरीके से नए विकसित हो रहे विज्ञान ने कलाकारों को मानव शरीर संरचना का अध्ययन करने में मदद की। इसी काल में वेसालियस नामक चिकित्सक ने शवों को काटकर मानव हड्डी, मांसपेशी, आंतरिक अंग आदि का अध्ययन करके उन पर पुस्तकें प्रकाशित की। कई चित्रकार भी मानव शरीर संरचना को बेहतर समझने के लिए शव विच्छेदन करते थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे लियोनार्डो दा विंची। दो महत्वपूर्ण चित्रकार। यूँ तो इटली के रेनासा काल में कई महान चित्रकार हुए थे, परंतु यहाँ हम उनमें से केवल दो को ही उदाहरण के लिए ले रहे हैं। ये हैं लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो। लियोनार्डो जन्म 1452, मृत्यु 1519, एक वैज्ञानिक, शिल्पकार, वास्तुकार, आविष्कारक और चित्रकार थे। वे रेनासा युग के लोगों की बहुमुखी रुचि और व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका सबसे चर्चित चित्र है मोनालिसा। इस चित्र में उन्होंने एक महिला को हल्के से मुस्कुराते दिखाया है। इस मुस्कान के अर्थ बूझने में विद्वान पिछले 500 सालों से लगे हुए हैं। एक तरह से यह उस युग का प्रतीक है। मनुष्य के क्षण भर के हल्के से मुखभाव को भी इतना महत्वपूर्ण मानना और उसे हमेशा के लिए चित्र में कैद कर देना इससे पहले कभी नहीं हुआ था। माइकल एंजेलो जन्म 1475, मृत्यु सन 1564 को विश्व इतिहास के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में गिना जाता है। वे फ्लोरेंस शहर के थे। उन्हें पोप का आश्रय प्राप्त था, जिनके लिए उन्होंने अनेक कलात्मक परियोजनाएं पूरी की। इनमें से सबसे अधिक चर्चित है सिस्टाइन गिरजाघर की दीवारों व छतों को ईसाई धर्म से संबंधित चित्रों से सजाना। उनके बनाए हुए एक चित्र का अंश देखें। माइकल एंजेलो जितने अच्छे चित्रकार थे उतने ही अच्छे मूर्तिकार भी थे। उन्होंने इटली के बेदाग संगमरमर का अभूतपूर्व उपयोग किया। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति ला पिएता को देखें। इस मूर्ति में मानव शरीर, मानवीय भावनाएं और कपड़ों का यथार्थ चित्रण है। साथ ही मृत बेटे को गोद में थामने वाली माँ का शोक उसकी गंभीरता से स्पष्ट झलकता है। रेनासा की कला काफ़ी हद तक ईसाई धर्म से प्रेरित थी, लेकिन साथ साथ उस पर प्राचीन रोमन कला का गहरा प्रभाव था। माइकल एंजेलो जैसे कलाकारों ने बहुत ध्यान से प्राचीन चित्रों, मूर्तियों और भवनों का अध्ययन किया था और उनका अनुकरण करने का प्रयास किया था।